बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम देखेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क कैसे कर सकते हैं या उनके फार्मूलाज में क्या फ़र्क आता है। तो हम लोग पहले सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का अगर कोई डेरिवेटिव है, पहली बात है कांस्टेंट का पता होना चाहिए कि कांस्टेंट हमारे पास है क्या। कांस्टेंट है 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। तो इसको सी से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट अगर डेरिवेटिव इसका लें तो हमारे पास ज़ीरो आता है, जबकि हम इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लें तो विद रिस्पेक्ट टू अगर सी कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स अगर इसका ले रहे हैं हम लोग, तो कोई कांस्टेंट अगर वन है तो उसका वन आ जाएगा, वन एक्स आ जाएगा। इसकी अगर इंटीग्रेशन लेती हूँ अगर मैं वन डी एक्स की तो मेरे पास सिर्फ आ जाएगा एक्स। तो अगर टू की लेती हूँ तो टू एक्स आ जाएगा, थ्री की लेती हूँ तो थ्री एक्स आ जाएगा। नाउ हम लोग देखते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स मैं लूँ सिर्फ एक्स की तो ये आ जाएगा वन, और अगर इसी की इंटीग्रेशन ली जाए तो इसमें ये होता है कि पावर इंक्रीज़ होती है इंटीग्रेशन में, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। तो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन जे आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर आता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की अगर हम डिफ्रेंसीशन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स, जबकि इंटीग्रेशन में वन ओवर एक्स अगर लिखा है और उसकी डिफ्रेंसीशन हम इंटीग्रेशन हम लोगों ने लेनी है तो वो बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्चुअली इंटीग्रेशन जो होता है वो बिल्कुल उलट है डिफ्रेंसीशन के। अब ई एक्स पे आ जाते हैं, डी बाई डी एक्स अगर देखें इसका तो ई एक्स का तो हमारे पास ई एक्स, जबकि इस एंगल का डेरिवेटिव। इसका हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे लेकिन अभी जस्ट फार्मूलाज बता रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या आएगा, ये भी डायरेक्ट ई एक्स आएगा और जो भी इसका एंगल होगा उसका नीचे डिवाइड कर देंगे डेरिवेटिव को। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉज एक्स आ जाएगा, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आता है हमारे पास माइनस कॉज एक्स। यहाँ पे प्लस सी आते जाएंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम होता, इसके साथ एक लिटल कांस्टेंट ऐड होता है जो कि हमें नहीं मालूम होता, इसलिए हम जस्ट सी लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स कॉज एक्स क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन में जितने भी सी वाले टर्म्स हैं उनके साथ माइनस ज़रूर आता है, ये एक ट्रिक होती है जिसको याद रखने से हम प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करते। इसका अगर डी एक्स कॉस का लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स। अब हम लेते हैं टेन का, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन। ये फार्मूलाज लाजमी याद करने पड़ते हैं, इसकी कोई और ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे हम लोग इसको याद रख सकें, लेकिन ये फार्मूलाज अगर आ जाएं तो ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसका सेकेंड स्केयर, अब अगर सेकेंड स्केयर का हम इंटीग्रेशन लें तो वो क्या बनेगा, इसका उल्ट, यानी कि दोबारा टेन एक्स बन जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह के मज़ीद फार्मूलाज हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।